सांप को देखकर हर किसी के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन एक सांप ऐसा है जिसके नाम से लोग खौफ खाते हैं। ब्लैक मांबा इतना जहरीला सांप है कि अगर ये किसी को काट ले तो उसका बचना नामुमकिन है। ये अपने शिकार का पीछा करने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि ब्लैक मांबा कितना खतरनाक होता है। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं एनिमल्स वाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में सांपों की लगभग 3600 प्रजातियां हैं, जिसमें से 375 प्रजातियां ऐसी हैं जो जहरीली हैं। इन्हीं में से एक है ब्लैक मांबा। ये दुनिया के 5 सबसे जहरीले सांपों में से एक है। ये प्रजाति अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। यहाँ होने वाली ज्यादातर मौत के लिए यही जहरीला सांप जिम्मेदार होता है। वह जंगलों में घने पेड़ों, झाड़ियों और लकड़ी के लट्ठों में रहना पसंद करता है। अगर आप खतरों से खेलने का शौक रखते हैं तो सब सहारा जा सकते हैं, जहां ब्लैक मांबा की सबसे ज्यादा संख्या है। यहां इनकी संख्या बाकी प्रजातियों की तुलना में काफी ज्यादा है। ब्लैक मांबा काफी तेज स्पीड से भागने में एक्सपर्ट होते हैं। ये अपने शिकार का काफी तेजी से पीछा कर उन्हें मार डालते हैं। ये काफी जहरीले होते हैं। अगर कोई गलती से इनके पास चला जाए या उन्हें परेशान करे तो फिर उसकी तो खैर नहीं, क्योंकि ये काफी गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। ब्लैक मांबा का व्यवहार काफी आक्रामक होता है। ये खतरनाक प्रजाति सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका के सवन्नाज और रॉकी हिल्स पर पाई जाती है। इसे दुनिया का सबसे घातक सांप माना जाता है। ये अफ्रीका के सबसे लंबे विषैले सांप होते हैं, जिनकी लंबाई 14 फीट तक होती है। फास्ट मूविंग वेनोमस स्नेक। ये सांप रेंगने में बाकी सांपों को मात देते हैं, जो एक घंटे में 20 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ने में माहिर होते हैं। कोई दूसरा इनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसी वजह से ये अपने शिकार को बड़ी तेजी से अपनी गिरफ्त में लेते हैं। एक बार कोई उनके चंगुल में फंस जाए तो उसका मरना लगभग तय है। हाउ डेंजरस ब्लैक मांबा। खतरा महसूस होने पर ब्लैक मांबा लगातार 10 से 12 बार जहर उगलता है और 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है। ब्लैक मांबा का जहर इतना घातक होता है कि इसके जहर की सिर्फ एक बूंद ही किसी की जान लेने के लिए काफी होती है। अगर कोई बच जाए तो वो इंसान जिंदा लाश बनकर रह जाता है, क्योंकि वो पैरालाइज्ड हो जाता है। वैसे तो ब्लैक मांबा जंगलों में रहना पसंद करता है, लेकिन अगर वो रास्ता भटक जाए और गलती से इंसानों की बस्ती में आ जाए तो फिर लोगों का बचना मुश्किल है। ज्यादा लोगों को देखकर ब्लैक मांबा बहुत आक्रामक हो जाता है। फिर उसके सामने जो भी जाता है वो उसे अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटता। मांबा के काटने पर आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और देखते ही देखते पल भर में शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। काटे हुए हिस्से पर काफी तेज दर्द होने लगता है, जिसे सहना इंसान के बस में नहीं। अगर आधे घंटे के अंदर पीड़ित इंसान का इलाज ना किया जाए तो उसका बचना मुश्किल है। एक रिपोर्ट की माने तो ब्लैक मांबा के काटने से हर साल 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि अब इससे बचने के लिए मेडिसिन की खोज कर ली है, जिसे एंटीवेनिन कहते हैं। इसमें जहर को बेअसर करने के लिए जरूरी तत्व होते हैं। इसे इंजेक्शन की मदद से पीड़ित इंसान को लगाया जाता है, लेकिन इसके बनने से पहले लोगों का बचना नामुमकिन था। अफ्रीका में ब्लैक मांबा का इतना खौफ है कि अगर किसी को सांप काट ले तो सबसे पहले इसी सांप का एंटीडोट दिया जाता है। व्हाई डिड ब्लैक मांबा नेम। ब्लैक मांबा के नाम की बात करें तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि इसके शरीर के रंग की वजह से ही इसका नाम पड़ा होगा, लेकिन असल में सच कुछ और ही है। दरअसल इसके मुंह के अंदर का रंग गहरा काला होता है। जब ये अपना मुंह खोलता है तो वो काला नजर आता है, इसलिए इसे ब्लैक मांबा कहते हैं। ब्लैक मांबा लाइक्स टू हंट। ब्लैक मांबा के भोजन की बात करें तो वो आमतौर पर छोटे जीव जंतु और पक्षियों को शिकार बनाता है। इसके शिकार करने का तरीका कुछ खास होता है। ब्लैक मांबा सबसे पहले अपने शिकार का तेजी से पीछा कर उसे पकड़ता है, फिर उसके अंदर अपना पूरा जहर छोड़ देता है। कहते हैं कि वो अपने शिकार पर तब तक नजर रखता है जब तक उसका जहर असर दिखाना शुरू नहीं करता। जब शिकार पूरी तरह से मर जाता है तब ब्लैक मांबा उसे खाना शुरू करता है। कई बार वो अपने शिकार को जिंदा भी निकल जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि ब्लैक मांबा अपने साइज से 4 गुना बड़े जीव को आराम से खा जाता है। रिप्रोडक्शन ऑफ ब्लैक मांबा।
ब्लैक मांबा प्रजनन के दौरान करीब 6 से 25 अंडे देता है। कहते हैं कि मादा ब्लैक मांबा अंडे देने के बाद उन्हें कभी दोबारा मुड़कर नहीं देखती। करीब 3 महीने के बाद इन अंडों से नवजात ब्लैक मांबा बाहर निकलते हैं, जिनकी लंबाई 16 से 24 इंच तक होती है। ब्लैक मांबा की उम्र औसतन 11 साल मानी जाती है। कहते हैं कि इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये शिकार के लायक नहीं बचता और कमजोर पड़ने लगता है। खतरों से खेलने वाले जरा संभल कर। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खतरों से खेलने का शौक रखते हैं। ऐसे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना डेयर के लिए उतर पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ एक रूसी नागरिक ने किया। इस युवक ने ब्लैक मांबा से खुद को डसवा लिया। कहते हैं कि उसने सोचा था कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी सोच के एकदम उलट हुआ। ब्लैक मांबा के काटते ही उसके शरीर में तेजी से जहर फैलने लगा और आखिरकार उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बताते हैं कि ये पहला ऐसा मामला था जब किसी इंसान ने दुनिया के सबसे जहरीले सांप से खुद को डसवा कर अपनी जान ही ले ली। तो देखा आपने, ब्लैक मांबा सांप कितना जहरीला और घातक होता है। अगर इसकी नजर किसी पर पड़ जाए तो उसका दुनिया से जाना तय है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।